नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। अंजना ओम कश्यप वर्सेस अभय दुबे, अंजना ओम कश्यप ठग लाइफ डिबेट वीडियो। मेरे को तो मजा आता है जब अंजना ओम कश्यप की डिबेट होती है, बहुत मजा आता है। देखो दोनों पक्ष लेते हैं मैडम, ये अच्छी बात है। कई सारे हमारे यूट्यूबर है जो अभी आजकल एक पक्ष पे बहुत बात कर रहे हैं। आपको पता ही होगा, नाम में लेना नहीं चाहता हूँ, लेकिन चलिए दोस्तों पहले वीडियो स्टार्ट करते, आशा करेंगे पसंद आएगा। और दोस्तों पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट। का मतदाता भारतीय जनता पार्टी की गर्मी निकाल रहा है। अभी आपकी बार 400 पार, मगर वो काउंटर प्रोडक्टिव हुआ। तो हम लोगों ने बहुत अच्छी बढ़त बना ली है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बार नहीं बन रही है। अब तो मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, फिर भी आप हिम्मत नहीं कर रहे 272 अपनी बताने का। जनता पार्टी 143 से ज्यादा जीती नहीं रही तो चर्चा बनती नहीं है। सोच समझ के, अरे बोल रहा हूँ, बीजेपी को हराने की जनता ने लगा रखी है रटारट 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 बन गया हरत होता रटारट 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 रटरट के यही सब जुगलबंदी करते रहिए। काम की बात करने वाले तो है नहीं। आप ये देखिए, आप लोग 4 तारीख के बाद एक दूसरे को गाली देने की स्पर्धा में सबसे आगे कौन रहेगा? अपने आप को पहले ट्रैक रिकॉर्ड ठीक करिए, गाली देना एक दूसरे को कौन शुरू करेगा, क्योंकि गाली देने में फटाफट फटाफट फटाफट। श्री राम दोस्तों, तो स्वागत है आपके अपने चैनल जालिम दुनिया में। तो आज की एक और डिबेट देखने वाले हैं, बहुत ही शानदार, क्योंकि आज की डिबेट में जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने वाले कांग्रेस के प्रवक्ता और अनुराग भदौरिया को जब डिबेट में ऐसे बयान देते हैं कि जैसे कि बीजेपी को 150 सीटें ही मिलने वाली है, इसी 150 सीट पर एंकर भी हंस पड़ी और आप भी इन लोगों के बयानों को सुनकर हंस पड़ेंगे। वैसे वीडियो आज की बड़ी मजेदार होने वाली है, तो आप प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमें एक लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। दुबे जी के पास अब है, दुबे जी यहां तो रायबरेली बचाना है राहुल जी को, और 9-9 दिन 10-10 दिन वहां पर प्रियंका जी उनके लिए कैंप कर रही थी अमेठी में और रायबरेली में, आज पहुंचे हुए थे वहां पे, बूथ से बूथ जा रहे थे। अंजना जी ये गर्मी की वजह से नहीं, भारत का मतदाता भारतीय जनता पार्टी की गर्मी निकाल रहा है। आप याद कीजिए अमित शाह साहब की रैलियों को, पहले चरण के पहले कहते थे हर कार्यकर्ता हर बूथ पर कर 370 वोट हर बूथ पर बढ़ाएगा। जब वोटिंग परसेंटेज कम हुआ तो समझ में आ गया कि न सिर्फ बूथ का कार्यकर्ता नाराज है, इनका कोर वोटर भी नाराज है। फिर नाराजगी आपकी बार 400 पार, मगर वो काउंटर प्रोडक्टिव हुआ। दुबे जी अभी भी तो आप 270 बोलने का हिम्मत नहीं करते हैं। दुबे जी इतना सब अभी जो बोल रहे हैं तब भी तो 270 का हिम्मत दिखाइए बोलने का। आप भी साहस दिखाइए प्रतिपक्षियों को निर्बाध रूप से बोलने देने का 10-20 सेकंड कम से कम। बोलिए बोलिए बोलिए। उसके बाद इन लोगों को पता लग गया कि भारतीय जनता पार्टी बड़े संकट में है, तो प्रधानमंत्री जी अपने मूल अवतार में आ गए, वो मुस्लिम लीग पर आ गए, मुसलमान पर आ गए, घुसपैठियों पर आ गए। फिर पता लगता है इनको कि वो भी जनता ने नकार दिया, तो प्रधानमंत्री जी ने फिर ईद पर मुसलमानों का खाना खाया और गाजा में जाकर रमजान पर वॉर रुकवाया। भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत के लायक सीटें नहीं आ रही अंजना जी, 200 के आसपास बीजेपी रहने वाली। आप उठाइए 2004 का चुनाव, सिर्फ 7 सीटों का अंतर था और एक लिबरल नेता माने जाते थे अटल जी, लेकिन जितने गठबंधन के लोग थे वो सब उधर से हट गए और हमारे यूपीए के साथ आ गए। आज भी यही होगा, आप लिख कर रखिए। देखिए इन पर हम कम से कम 125 सीटें कांग्रेस पार्टी इस चंक में से जीत रही है, तो हम लोगों ने बहुत अच्छी बढ़त बना ली है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बार नहीं बन रही है। तो इस बार भारतीय अब तो मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए राहुल जी के, अब तो मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, फिर भी आप हिम्मत नहीं कर रहे 272 अपनी बताने का। मैंने आपको पहले दिन के शो में कहा था कि 2004 में 335 सीटें थी हमारी गठबंधन की यूपीए की, 335 से अधिक मैं तो 450 कह रहा हूं, क्योंकि रीअलाइनमेंट होगा, ये जो पोस्ट पोल अलायंस होगा ये बहुत बड़ी संख्या में होगा। कांग्रेस की कितनी आएंगी ये तो बताइए, डूबे हुए लोग हैं। दुबे जी कांग्रेस की पूछ रही हूं मैं, गठबंधन के पीछे क्यों छिप रहे हैं कांग्रेस की? मैं देख गठबंधन 328 सीटों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं अंजना जी, हमारी 250 के लगभग सीटें कांग्रेस पार्टी अकेले कांग्रेस पार्टी की आएगी। और जो कुछ भी अनुराग जी वो 250 कह रहे हैं, 250 सीटें उनकी आ रही है। देखिए अंजना जी 400 पे भारतीय जनता पार्टी की हार है, तो इसके मतलब 400 इंडिया गठबंधन जीत रहा है, और वो तो 143 पे ही बचे ना, तो भारतीय जनता पार्टी 143 से ज्यादा जीती नहीं रही है तो चर्चा बनती नहीं है। पांचवा चरण है, ठीक लगा तो फाइव सेंसेस हिंदुस्तान कितना हुआ 400 भाई, कितनी सीटें हैं 543 सीटें हैं ना, तो 400 अगर वो हार गई भारतीय जनता पार्टी तो कितनी बची, 143 ही बची ना उनके पास में, बीजेपी जीतेगी तो 143 ना। सोच समझ के
अरे बोल तो रहा हूँ, नहीं नहीं मैं सोच समझ के बोल रहा हूँ। दूसरी बात पांचवा चरण चल रहा है अंजना जी। हाँ। और देश की जनता के पांच सेंस होते हैं, पूरा सेंसों का इस्तेमाल कर रही है वो, उस सेंस से वो वोट कर रही है, भारतीय जनता पार्टी हरा रही है। चूंकि आज लखनऊ में भी वोट था तो मैं जब लखनऊ के बूथ पे जा रहा था तो जनता वोट दे रही थी, खटाखट 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 आवाज आ रही थी अंजना जी, बीजेपी सपा चट सपा चट सपा चट, वोटर कह रहा था बीजेपी को हटाहट हटाहट हटाहट, और बीजेपी को झटका लग रहा है अंजना जी, झटाझट झटाझट झटाझट, और बीजेपी को हराने की जनता ने लगा रखी है रटारट रटारट रटारट। 4 जून के बाद अंजना जी लोगों के घरों में शांति आएगी। सुन तो लिए, बात आप पीछे टोक पड़े, आप मेरी पूरी बात तो जाने दीजिए। 4 जून को लोगों के घरों में शांति आएगी। देखिए 4 जून को लोगों के घरों में शांति आएगी, फटाफट फटाफट फटाफट। अरे रुको जरा, हरा कुर्ता बन गया हरा तोता, रटा रट रटा रट रटा रट 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 के यही सब जुगलबंदी करते रहिए, कोई काम की बात करने वाले तो है नहीं यार। बिना तेल के जनरेटर है, हमेशा खड़खड़ 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 बजते रहते हैं, 4 तारीख को बंद हो जाएगा परमानेंट। मुझे आश्चर्य लगता है कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को क्या हुआ था। कांग्रेस आज तक जीवन में 1984 के बाद 208 का आंकड़ा क्रॉस किया है, 250 सीटें मारी आ रही है। अरे मुंगेरी लाल की दुनिया में रहते हो भाई, 209 में सबसे अच्छा प्रदर्शन हुआ था, तब तो 208 पे रुके थे, 206 पे, 250 कहां से आ जाएंगे, 50 क्रॉस करना मुश्किल है, 250 पे जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी जीवन में सबसे अच्छा प्रदर्शन 2004 में हुआ था, 40 सीट, अरे हम सबके सब जीत रहे हैं। अरे अखिलेश की सोचो, धन्यवाद में हाँफ रहे हो, है ना, मैनपुरी में बाजा बंद है, क्या होगा, कहाँ जाइएगा, कंधे नहीं मिलने वाले हैं 4, ठीक है। इसीलिए ये सब मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखना आप लोग बंद कर दें। अब आप ये देखिए कि आप लोग 4 तारीख के बाद एक दूसरे को गाली देने की स्पर्धा में सबसे आगे कौन रहेगा, कि हार के ये जिम्मेदार हार के वो जिम्मेदार। ममता दीदी तो अपने आप को अलग कर लिया, सबसे पहली घोषणा उन्हीं की थी कि कांग्रेस 40 सीट नहीं जीत रही है, और अभी भी वो अब इंडिया गठबंधन में नहीं है, कहती है बाहर से समर्थन दूंगी। अपने आप को पहले ट्रैक रिकॉर्ड ठीक कर लीजिए कि गाली देना एक दूसरे को कौन शुरू करेगा, क्योंकि गाली देने में फटाफट 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 तीनों करेंगे, ठीक है। 4 तारीख को होने वाला है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और 4 जून के बाद में ये अभय दुबे और कांग्रेस के सभी प्रवक्ता डिबेटों में आना बंद करेंगे या फिर क्या करेंगे, ये आपको 4 जून के बाद ही देखने को मिलेगा। क्योंकि ये अभी तो बोल रहे हैं कि बीजेपी का सुपड़ा साफ है, लेकिन कहीं इनका सुपड़ा साफ होने पर ये डिबेटों में क्या आकर क्या बयान देंगे, ये भी देखने में आपको बड़ा आनंद आने वाला है। तो वैसे वीडियो को लेकर अपनी कुछ राय बनती है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, हम आपसे जल्द मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। मेरे को लग रहा है कि ये लोग जो बोल रहे हैं ना बीजेपी को, मतलब अब जनता ने रट लगा दी हटाने की, ठीक है, मेरे को लग रहा है कि इन लोगों की जो जनता है ना वो उसकी जो ऑफिस होगी ना, उस ऑफिस में कुछ लोग आते होंगे, कुछ कोई वहां पे एज एम्प्लॉय काम कर रहे होंगे, उसके आसपास के लोग, और उसकी तो मजबूरी होती है भाई, कि आपकी वजह से उसको रोजगार मिल रहा है, कुछ ना कुछ मजबूरी उसकी होती होगी, ठीक है, और वो खुद वही लोग जाके बीजेपी को वोट कर रहे हैं, फिर भी ये लोग बोल रहे हैं, समझ में नहीं। अरे भाई आप एक 4 कमरे, मतलब 4 जो दीवारें होती है उस वाले कमरे से बाहर आओ, देश को जानो, तब पता चलेगा, और जब रिजल्ट आएगा तब पता हो, पता सबको चल जाएगा 400 पार है या नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 100% 400 पार रहेगा, लेकिन पूरी बहुमत से सरकार जो है अभी जो चल रही है वही चल रही है। बाकी दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिए। फिलहाल आपसे विदा ले रहे, मिलेंगे और अपने वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद जय भारत।